आगे आगे की गाड़ी आगे चलती है बीच में नहीं तो जब गर्म हो रहा है तो वही तो होगा आएगा ज्यादा सवारी नहीं है आगे वाले चलिए सवारी आगे में बैठ जाओ कोई नहीं। नई दिल्ली से देहरादून आ रही शताब्दी एक्सप्रेस में एक बड़ा हादसा हो गया। हालांकि लोको पायलट और गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए लोगों की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस शनिवार की सुबह दिल्ली से देहरादून के लिए चली थी और उसमें कुल 12 सवारी कोच थे जिसमें कुल 316 यात्री सवार थे। ट्रेन अपने तय नियम पर आ रही थी कि तभी अचानक ट्रेन के सी कोच 5 में अचानक ही शॉर्ट सर्किट हो गया और देखते ही देखते कोच में आग लग गई और उसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। वह तो लोको पायलट और गार्ड ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को कंसारो रेलवे स्टेशन पर रोक दिया और इसके बाद राजा जी टाइगर रिजर्व और रेलवे के अधिकारियों को इस बारे में किसी तरह सूचना दी गई। C5 में धुएं से शुरुआत हुई थी, बाद में लोग समझ नहीं पाए, लगा कि शायद जैसे कहीं से स्टार्ट होता है कोई शॉर्ट सर्किट, पर वो धीरे से आग के रूप में तेजी से फैलने लगा। तो फिर ट्रेन चल रही थी कि रुकी हुई थी? ट्रेन चल रही थी, फिर उसके बाद जो GRP पुलिस थी उनको बताया तो उन्होंने कॉल करके यहाँ पे जो भी उनके पास वॉकी टॉकी था तो जो गार्ड हैं इंजन में जो ड्राइवर थे उनको कॉल किया, फिर उन्होंने गाड़ियों को स्टॉप किया रोका है। फिर उसके बाद हाँ तो ये मतलब रेलवे को मतलब धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि भाई उनके कर्मचारियों ने तत्परता दिखाई और जल्दी से जितना हो सकता था उन्होंने आग पे काबू भी पाया, पर सबसे बड़ी बात उन्होंने कोचों को जो सुरक्षित कोच थे उनको अलग कर दिया। और ये मेरा अमृतांशु पांडे, अचानक से उसमें आग लगी और मतलब वो चल गई, सब सामान जल गया, किसी तरह बच्चे कौन कौन लोग थे ट्रेन में उस बोगी में? सारे लोग थे, मैक्सिमम लोग थे। आप लोग कहाँ से रखे? MP से। कौन लोग हैं आप लोग? हम लोग गेम के हैं, आर्चरी के। आर्चरी गेम स्पोर्ट्स के लिए कहाँ आ रहे थे? देहरादून। ये नई दिल्ली से देहरादून आ रही थी 0217 शताब्दी एक्सप्रेस। ये कासरो और रायवाला के बीच में इसके बीच में आग लगी है एक बोगी में C5 में। जब इसमें आग लगने की सूचना मिली है हल्का सा धुआं सा निकलने लगा तो पैसेंजरों ने इसकी चेन पुलिंग करके गाड़ी को रोका गया वहाँ पे, और फिर जब ज़्यादा ही इसमें लगे आसार लगे कि आग लगने वाली है तो ड्राइवर गार्ड लोगों ने स्टाफ ने उसको कोच को अलग कर दिया है उस कोच को। और उसके बाद आगे आपकी टीम वहाँ पर पहुँच चुकी थी और आधे पोर्शन को देहरादून के लिए रवाना किया गया वहाँ से, और इस समय देहरादून पहुंच गई है आधी कोच। अभी फिलहाल ट्रैफिक रुका हुआ है? फिलहाल ट्रैफिक रुका हुआ है, रायवाला में खड़ा है। अरे ट्रेन की कई क्या कंडीशन है? ट्रेन की कंडीशन आपकी रायवाला में ही खड़ी है और आधा पोर्शन उसका रायवाला पहुंच चुका है। तो जान नहीं जान माल की कोई ऐसी कुछ वो नहीं है, खाली ट्रेन को नुकसान हुआ है। ट्रेन को ही नुकसान हुआ है इस बोगी को। आगे सुचारू कब तक हो जाएगा ट्रैफिक? अभी टीम पहुँची है वहाँ पे, साइड वेस्ट टीम पहुँच गई है, जाँच चल रही है। आपका नाम? मेरा गोपाल सिंह बिस्ट, स्टेशन मास्टर है जी। वहीं सूचना पर थाना अध्यक्ष अपनी टीम समेत पहुंचे और वहां पहुंचते ही रेलवे कर्मियों के साथ मिलकर शताब्दी एक्सप्रेस को कोच नंबर C5 में बैठी सभी 35 सवारियों को उनके सामान के साथ बाहर सुरक्षित निकाला गया और उनको दूसरे कोचों में शिफ्ट किया गया। वहीं आग लगे हुए कोच को ट्रेन से निकाल कर अलग कर दिया गया है। ये हम लोगों के पास 12:50 में सूचना आई थी कंट्रोल के माध्यम से कि जो शताब्दी ट्रेन है वो दिल्ली से देहरादून के लिए चली है, कासरो के पास एक बोगी में आग लगी है जिसमें कुछ पैसेंजर हैं। हम लोग तत्काल यहाँ कासरों पहुँचे, हमारे द्वारा 35 व्यक्तियों को सुरक्षित निकाल कर और उनको उसी ट्रेन का जो हमने बाकी हिस्सा आगे कर दिया था उसमें बिठा कर उनको देहरादून के लिए रवाना कर दिया। अच्छा, कैसे निकाले इन लोगों को? जो इन लोगों को क्योंकि थोड़ा लोग घबराए हुए भी थे तो फॉरेस्ट कर्मचारी रेलवे के कर्मचारियों की सहायता से सभी को सुरक्षित निकाल दिया, सबका सामान निकाल दिया और उनको देहरादून के लिए रवाना किया गया। किसी को कोई नहीं? कोई नहीं, सब सुरक्षित हैं, सब सुरक्षित हैं। 5 नंबर में ही था, 45 नंबर सीट थी मेरी, और जैसे ही बाथरूम में सीट में थोड़ी सी धुआं निकली थी एक लेडी ने इन्फॉर्म करा और उनके इन्फॉर्म करने से गॉड लक कि वो हमें सही टाइम में इन्फॉर्म करा और जस्ट चैन कूलिंग करके हमने ट्रेन को स्टॉप करा
और काफ़ी अच्छा सहयोग मिला जीआरपी और रेलवे स्टेशन से। कितने लोग थे उस डब्बे में? उस डब्बे में मैक्सिमम समथिंग लाइक 95 लोग करीब थे उस डब्बे में मौजूद थे। उस टाइम में जब जब ट्रेन में आग लगी तो जैसे ही धुआं निकला इतना फास्ट था कि हमारे नाकों तक वो स्मेल आ गई थी, लेकिन सही टाइम पे ट्रेन को स्टॉप कर दिया गया और जीआरपी वाले आकर के हमें अच्छे से प्रोटेक्शन किया। हम लोगों सारे नीचे उतर के फिर कारण अभी तक पता नहीं चला कुछ भी। उन्होंने वही सूचना पाकर वन विभाग के कर्मचारी अपने निजी संसाधनों के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की मगर आग इतनी भयानक थी कि कुछ देर में ही पूरी बोगी जल गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।